गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं रवि वर्मा आपका फिर से एक बार स्वागत करता हूँ F1 टेक के इस एपिसोड में। तो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं विंडोज 10 की। जी हाँ, विंडोज 10 माइक्रोसॉफ्ट का जो ऑपरेटिंग सिस्टम है, विंडोज 10 के बारे में आज हम बात करेंगे। विंडोज 10 अगर आप सिर्फ नाम से जाने तो विंडोज 10 हमें लगता होगा कि विंडोज 10 एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, उस पर हम अपना वर्क करेंगे, उसमें हम वर्ड, एक्सेल, VLC ये सब इंस्टॉल करेंगे, काम खत्म। बट बहुत सारे लोगों को ये पता नहीं होता है कि उनके सिस्टम में जो विंडोज 10 है वो OEM है या फिर रिटेल है। जी हाँ, सुन के आपको भी आश्चर्य लग रहा होगा कि ये OEM और रिटेल क्या होता है। तो दोस्तों, आज हम इस वीडियो में इसी के बारे में चर्चा करेंगे। तो अगर आप हमारे चैनल पर नया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और फटाफट इस वीडियो को हम शुरू करते हैं। इस वीडियो को एंड तक देखिएगा, बहुत ही अच्छी आपको जानकारी मिलेगी और इससे आपका विंडोज 10 का जो कॉन्सेप्ट है वो आपका बिल्कुल क्लियर हो जाएगा OEM और रिटेल के मामले में। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। रिटेल OEM, तो सबसे पहले आप जान लीजिए कि OEM क्या होता है। OEM का मतलब होता है ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चर, यानी कि अगर आप कोई लैपटॉप परचेज करते हैं, जैसे डेल हो गया, HP हो गया, एसर हो गया, एसुस हो गया, लेनेवो हो गया, तो इन सब की कंपनी जो विंडोज 10 परचेज करती है और आपको देती है, तो वो OEM की होता है। यानी कि वो जो विंडोज 10 होता है वो सिर्फ उसी लैपटॉप पे ही वर्क करेगा। जी हाँ, OEM में अगर आप जो विंडोज 10 यूज करते हैं वो सिर्फ उसे लैपटॉप के लिए होता है, उसको आप किसी दूसरे सिस्टम पे उसको आप ट्रांसफ़र नहीं कर सकते। मान लीजिए आपने लैपटॉप परचेज किया डेल का, वो लैपटॉप ख़राब हो गया, कोई यूज का नहीं है, तो फिर आपको वो विंडोज 10 बेकार हो गया, उसे आप यूज नहीं कर सकते हैं। इसी को कहते हैं OEM। OEM में आपका सपोर्ट बिल्कुल ना के बराबर होता है, यानी कि अगर विंडोज में अगर कोई फॉल्ट आ गया, अगर उसे आप माइक्रोसॉफ्ट टीम को कॉल करेंगे, बोलेंगे कि मेरे विंडोज में कुछ फॉल्ट आ रहा है, तो वो फ़िलहाल उसमें सपोर्ट 100 में 10% के बराबर सपोर्ट आपको मिलती है। लेकिन अगर वारंटी में है, सिस्टम वर्किंग में है, तो HP कंपनी, डेल कंपनी, Asus कंपनी, वहाँ से आपको सपोर्ट मिलेगा, बट माइक्रोसॉफ्ट से आपको सपोर्ट बहुत कम मिलता है और वो ट्रांसफरेबल नहीं है, यानी कि उसको आप ट्रांसफ़र नहीं कर सकते हैं किसी दूसरे सिस्टम में। अब हम बात कर लेते हैं रिटेल की। रिटेल की बहुत ही कॉस्टली होता है दोस्तों। जी हाँ, रिटेल की अगर आप मान के चलिए OEM की अगर आप कहीं से परचेज भी कर लेते हैं, तो OEM की अगर आपको 2,000-3,000 रुपये का मिल जाए, तो रिटेल की आपको 10,000-12,000 रुपये में आता है। जी हाँ, रिटेल में आपको स्पेशली प्रोडक्ट की होता है, एक CD प्रोवाइड की जाती है, और वो रिटेल की आप किसी भी पर्टिकुलर सिस्टम में यूज कर सकते हैं। जैसे मान के चलिए कि आपका एक सिस्टम है, वो सिस्टम पे आप रिटेल की यूज कर रहे हैं, सिस्टम अगर ख़राब हो गया तो आप किसी दूसरे सिस्टम पे आप यूज कर सकते हैं, वहाँ से आपको उस OS को हटा के, यानी कि उसका लाइसेंस जो है आप माइक्रोसॉफ्ट से सरेंडर करा के किसी दूसरे पे आप उसको इंस्टॉल कर सकते हैं। ये रिटेल की का सबसे बड़ा प्लस पॉइंट होता है। रिटेल प्रोडक्ट की में आपको बहुत सारे फीचर्स मिलते हैं जो कि आपको OEM में नहीं मिलती है। तो आप समझ ही गए होंगे OEM और रिटेल के बारे में। तो आप जब भी विंडोज 10 परचेज करें, तो जहां से ही परचेज करें, ये चीज़ ज़रूर कंफर्म कर लें कि वो OEM है या फिर रिटेल है। तो अगर आपको OEM और रिटेल की के बारे में और ज़्यादा जानकारी चाहिए, तो आप माइक्रोसॉफ्ट की वेबसाइट पर जाएं, वहाँ से विंडोज 10 के बारे में सारी आपको जानकारी मिल जाएगी। और मेरी माने तो हमेशा विंडोज 10 रिटेल ही परचेज करें। जी हाँ, कॉस्ट लगता है आपको, बट बहुत ही अच्छा होता है। OEM का भी आपको मिल जाएगा कहीं ना कहीं से, बट मैं सजेस्ट नहीं करूँगा कि आप OEM परचेज करें। तो फ़िलहाल इस वीडियो में इतना ही। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।